नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में व्याकरण खंड के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं और यह क्यों महत्वपूर्ण है। पर्यायवाची शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इनके अलग अलग अर्थ जानकर वाक्यों में अलग अलग प्रयोग के आधार पर इनका प्रयोग कर सकते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समान अर्थ वाले शब्द। पर्यायवाची शब्द किसी भी भाषा की सबलता की जो बहुता है उनको दर्शाता है कि किस प्रकार भाषा समृद्धशाली है। उनके और अनेक अर्थ हमको मिलते हैं उस शब्द के। इन सारी बातों को हम पर्यायवाची शब्द के रूप में जानेंगे। जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे वह उतनी ही सबल और सशक्त होगी, क्योंकि उनका अनेक अलग अलग रूपों में हम प्रयोग कर सकते हैं। इस दृष्टि से संस्कृत सर्वाधिक संपन्न भाषा है, साथ ही हिंदी भाषा में भी पर्यायवाची शब्दों का भंडार है। भाषा में पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से पूर्ण अभिव्यक्ति की क्षमता आती है। हम जैसा कि देखे हैं एक ही शब्द के कविताओं में अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं और उनको बहुत ही सुंदर और अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। आइए जानते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में जो इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। जैसे एक शब्द है अंग। अंग का अर्थ है अव्यय, अंश, उपांश या हिस्सा। ये एक ही शब्द के अनेक नाम हैं, अनेक अर्थ है। ऐसे ही दूसरे शब्द देखें, जैसे आप देखे होंगे आग। तो आग को और किस किस नाम से जाना जाता है? इसको अनल, अग्नि, हुतासन, पावक, कृषाणु, जातवेद, ये अनेक नाम हैं आग के, अनेक अर्थ है। इनको वाक्यों में हम अलग अलग ढंग से प्रयोग भी करते हैं। तो ये तो हुए आग शब्द के पर्यायवाची शब्द। अब दूसरा शब्द देखते हैं इच्छा। इच्छा आप लोग जानते हैं, सब इच्छा करते हैं, तो इच्छा को और क्या क्या कहते हैं? लालसा, कामना, चाह, मनोकामना, अभिलाषा, आकांक्षा, ये सब इच्छा शब्द के पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं पर्यायवाची शब्द। अनेक शब्द हमारे आसपास उपस्थित है, उन शब्दों को हम और किस नाम से जानते हैं? तो जैसे देखिए खग। खग अर्थात पक्षी। तो पक्षी, खग को पक्षी, चिड़िया, पखेरू, द्विज, पंछी, विहग, इन नामों से जाना जाता है। खंड, अंश, भाग, हिस्सा, टुकड़ा। तो इस प्रकार से खंड के और अनेक अर्थ है। अब यहाँ पर देखो यह इमारत कितना खूबसूरत है, तो खूबसूरत को और क्या बोलते हैं? सुंदर, सुरम्य, मनोज्ञ, रूपवान, सौरम्य, रमणीक, ये खूबसूरत के पर्यायवाची शब्द है। खून, खून को क्या क्या कहते हैं? रुधिर, लहू, रक्त और सोणी, ये खून के पर्यायवाची शब्द है। अब देखें हंस। हंस को कहते हैं मुक्तमु, मराल, सरस्वतीवान, हंसी, स्मृति, मुस्कान, हास्य, हित, कल्याण, भलाई, भला, उपकार, हक मतलब अधिकार, स्वत्व या दावा। हिमालय को और किन किन नामों से जाना जाता है? इनके अर्थ हिमगिरी, हिमाद्री, गिरिराज, शैलेंद्र, हनुमान, नाम तो सुना ही होगा आपने, पद्मसूत, महावीर, आंजनेय, कपीस, बजरंगी, मारुति नंदन, बजरंग, ये हनुमान के और अनेक नाम हैं।
हाथ, हाथ जो हम प्रयोग, हमारे दो हाथ है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो कर, हस्त, पानी, अब पानी नहीं यहाँ पर पानी, ण में छोटा ई लग जाने से पानी हो गया, भुजा और बाहु, ये हाथ के पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं शपथ, शपथ को और किस नाम से जानते हैं, तो कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, सौगंध। शहद, शहद तो आप देखे होंगे मधु, मकरंद, पुष्परस, पुष्पासव, ये शहद के पर्यायवाची शब्द है। शब्द, ध्वनि, नाम, आश्व, घोष, रव, मुख, ये शब्द के पर्यायवाची शब्द है। शरण, संश्रय, आश्रय, त्राण, रक्षा। शिष्ट, शालीन, भद्र, संभ्रांत, सौम्य, सज्जन, सभ्य, ये शिष्ट आचरण करना। शेर, शेर को और क्या क्या कहते हैं, सीन, नाहर, केरी, वनराज, केसरी, मृगेंद्र, शार्दुल, व्याघ्र, ये सब शेर के पर्यायवाची शब्द है। शुभ, मंगल, शुभ मंगल, कल्याणकारी, शुभंकर। श्वेत को सफेद, धवल, शुक्ल, उज्जला, इन नामों से भी जाना जाता है, तो ये श्वेत के पर्यायवाची शब्द हुए। आइए आगे देखते हैं विभोर, विभोर होना मस्त, मुग्ध, मग्न, लीन। विभा, प्रभा, आभा, कांति, शोभा, ये विभा के पर्यायवाची, कांति जो चमक होती है। विशारद, विशारद को और इन नामों से जानते हैं, पंडित, ज्ञानी, विशेषज्ञ, सुधि। व्यसन, लत, वान, टे, आसक्ति। वृक्ष को पेड़ भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं, पादप, द्रुम, विटक। विवाद, अनबन, झगड़ा, तकरार, बकेल। विपरीत का पर्यायवाची उल्टा, प्रतिकूल, खिलाफ, विरुद्ध। विद्या का पर्यायवाची है ज्ञान, शिक्षा, गुण, इल्म, सरस्वती। विमल का पर्यायवाची शब्द स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, पावन और विशुद्ध। आगे देखते हैं जो जिसको आप जानते हैं, नदी, सरिता, तटनी, सलीला, कल्लोली, बहुत सारे इनको अनेक नामों से जाना जाता है, ये सब पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। नमक को लवण, लोण, राम रस, नौन। नया को नवीन, नव्य, नूतन, आधुनिक, करवाचीन, नौ। नित्य का हमेशा, रोज, सनातन, सर्वदा, सदैव। नौका का तरणी, डोंगी, नाव, जलयान, नैया। नारी का स्त्री, महिला, रमणी, वनिता, औरत भी कहते हैं। नैसर्गिक अर्थ, प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। नरेश, राजा, नरेंद्र, नरपति, भूपति, भूपाल, ये सब इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द है। जैसे नियति, नियति कहते हैं मेरे नियति में, भाग्य, प्रारब्ध, विधि। नक्षत्र का तारा, सितारा, तारक, ये सब नक्षत्र के पर्यायवाची शब्द है। नाग, सर्प, विषधर, व्याल, फणि, फणधर, उरग, ये सब सांप के, नाग के पर्यायवाची शब्द है। आशा करता हूँ बच्चों कि ये जो पर्यायवाची शब्द आपको बताया अच्छे से समझ आया होगा, और आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिनके पर्यायवाची शब्द आपको एक से अनेक अर्थों में मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब दिए गए पर्यायवाची शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखना है। पुष्प का बहुत ही सरल है, इनका तीन से चार पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। और दूसरा पानी का, जिसको हम रोज ग्रहण करते हैं, रोज लेते हैं, रोज उपयोग करते हैं, पानी जो महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपको यह जो पर्यायवाची शब्द है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।